हेलो गाइस, इट्स मी अगेन व्यास सेठी जी विद द न्यू व्लॉग। आज हम जाने वाले हैं कॉलेज ट्रिप से चंडीगढ़ में, तो फिर आज भी मज़ेदार व्लॉग होने वाला है। लास्ट तक देखते रहना, और सिनेमैटिक्स नहीं हो पाएंगे क्योंकि आज अकेले ही ड्राइव करना पड़ेगा। तो आगे जाके मिलते हैं कॉलेज में। 2 hours later. और इस सुबह के बज चुके हैं 5:26। इनकी कॉलेज में भैया क्या चल रहा है? पीछे भूतिया साउंड इफेक्ट डालेंगे। किशन डर तो नहीं लग रहा? वही सच्ची लग रहा है। 12 बजे आ रहे कॉलेज, भूतों के कॉलेज। अबे छोटू, बच्चे डर रहे हैं, मूड चेंज कर। व्लॉगिंग कर, वाटर फॉल होने लगा। आपको मिलवाते हैं हम इस ग्रह के एलियंस से। एक का नाम है इशिका और जो साथ में नाच रहा है उसका नाम है केशव। इन्हें देखकर लगता ही नहीं ये इस ग्रह के होंगे। यहाँ पर छत तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करते हुए प्राणी अब जैसे देख ही पा रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk, yeah, and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. So guys, देख पा रहे हो कि तुम्हारे भाई के लिए क्या ही, मतलब पूरा का पूरा कॉलेज खड़ा है और हमारी VIP ट्रीटमेंट हो रही थी। बिल्कुल हमारे लिए ही कुछ भी वेट हो रहा था, मतलब हम थोड़ा यूनिक है ना। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट प्लेस नाड़ा साहिब गुरुद्वारे पे। ओए, ये चंडीगढ़ से हिमाचल का तो पहुंच गए। क्या मालूम व्हाट इज दिस बिहेवियर। मैप चेक करूं, मैप करता पास थे ना। ये पहाड़े तो आ गए, तो घंटा मैंने ओ बंदर आ दे बंदर। कौन प्रजाति इज दिस? मंकी मंकी। A few inches later. धार्मिक कारणों के कारण हम अंदर के सीन्स नहीं रिकॉर्ड कर सके, इसके लिए हमें खेद है। कृपया करके आप अगले स्पोर्ट्स के सीन्स एंजॉय करिए, धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर हम टर्किश आइसक्रीम वाले के पास गए थे आइसक्रीम खाने, और ये बच्चे के अरमानों के साथ कितना ही बुरी तरीके खेल रहा है। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था भाई इस बच्चे के लिए, और पता है कितना इसका पागल बनाया जा रहा था बच्चे का। भाई वो खेल दूसरी आइसक्रीम से रहा है और फिर वो लास्ट में दूसरी आइसक्रीम करके देता है।
मुझे तो बहुत बुरा लगा और आखिरकार इस बच्चे को पैसे देने के बाद इतना बेवकूफ़ बनने के बाद आइसक्रीम मिल गई और हम आगे चलते हैं अपने। The next day. So, दोस्तों तुम्हें लेके चलता हूँ मेरी सबसे फेवरेट जगह जो गेमर के लिए हर गेमर की सबसे फेवरेट जगह होती है गेमिंग पैलेस। ये एलेंटा मॉल में है और क्या ही जगह है भाई ये। कट कर देना प्लीज। क्या ही जगह है भाई, इतनी तारीफ करो उतना कम है भाई। मतलब मज़ा आ जाता भाई देख के, इतना मन कर रहा था ना गेम्स खेलने का अंदर। मतलब आपको हर टाइप की गेम्स मिलेंगी, ऐसा प्ले स्टेशन भी थे अंदर बट बहुत महंगी थी भाई, बहुत महंगी थी। और कार्डिंग सिस्टम चलता है यहाँ पर, मतलब कि आपको एक पास वगैरह बनवाना पड़ता है, उसके बाद आपको पॉइंट्स मिलते हैं और वो पॉइंट्स गेम पे खर्च करने पड़ते हैं। जो लोग यहाँ आसपास रहते हैं उनके लिए तो कार्डिंग सिस्टम सही है, क्योंकि हमारे जैसे जो कभी कभी आते हैं मतलब उनके लिए थोड़े ना भाई, वो कौन सा रोज़ रोज़ यूज़ कर पाएंगे कार्ड्स को। बट जो गेम्स थी ना मतलब मज़ा आ गया। और यहाँ पड़ी थी मशीन गन भाई, बिल्कुल रियल फीलिंग्स आती है जब वो मशीन गन चलाते हैं ना गेम खेलते हैं। और ये कुछ वो उठाने वाली गेम्स होते हैं ना, वो पकड़ के उठाते हैं गुड्डे वो। पावर ट्रिप वही टाइम लग रहा है सुबह जैसा, सेम टाइम वही चार पांच बंदे